हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। बेसिकली इन दिस चैनल करंटली वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले, ओके। एंड आई थिंक टू लेक्चर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले अपलोडेड है एंड दिस वन वुड बी द थर्ड लेक्चर। एंड ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले बहुत ही ईजी हैं, जिन्हें पता होगा उनको तो बहुत ईजी लग रहा होगा, बट फैक्ट इज़ दैट दीज फार्मूलेज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ओके। तो दैट्स वाई इसका बेसिक्स पहले हम वीडियो बना लेते हैं एंड देन वी विल लर्न, वी विल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल चैप्टर्स ऑफ द फिजिक्स, ओके। एंड आप देखेंगे उसमें हम कैसे इसको यूज करते हैं, ओके। तो फार्मूले, आज क्या फार्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए। फर्स्ट फार्मूला ये साइन ए प्लस बी का फार्मूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यूजफुल फार्मूले। साइन ए का फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू क्या होता है साइन बी, ये फार्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी, ए एंड बी आर द टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स है ए एंड बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ओके। एंड नेक्स्ट फार्मूला देखिए, साइन ए माइनस बी, अगर आपको लिखना हो साइन ए माइनस बी लिखना हो, साइन ए माइनस बी लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, साइन ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। जब यहाँ माइनस है तब यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ओके। नाउ कॉस ए प्लस बी पे हम आ जाते हैं, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। रिमेंबर दैट साइन है तो साइन कॉस दोनों आ रहा है, एंड कॉस है तो कॉस एक साथ आ रहा है एंड साइन एक साथ आ रहा है। इस टाइप से आप कुछ याद कर सकते हैं। एंड देखिए कॉस में देखिए ए प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस साइन होता है, एंड साइन में प्लस है तो प्लस ही है, माइनस है तो माइनस ही है, एंड कॉस में प्लस है तो माइनस है। आप ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो में, दैट मीन्स यस ट्रिगो में क्लास 11th में आप इन सारे फार्मूले को पढ़ेंगे, प्रूफ भी करेंगे। एंड कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ओके। माइनस है तो देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, ओके। एंड ये जो चार फार्मूले हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ओके। इसी के हेल्प से हम बहुत सारे फार्मूले अभी फार्मूलेट करने वाले हैं। जैसे देखिए, सपोज दैट आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, फर्स्ट फार्मूला एंड सेकेंड फार्मूला को आपने अगर ऐड कर दिया तो सोचिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस में है माइनस में, कैंसिल हो जाएगा ना। अगर आपने ऐड कर दिया इक्वेशन, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर आपने ऐड कर दिया, इन दोनों फार्मूले को अगर आपने ऐड कर दिया तो ए फैक्ट, ए वाली जो पार्ट है, ए वाली जो टर्म है विल कैंसिल आउट, एंड क्या बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला हो गया, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए ये फार्मूला बन गया, कैसे फार्मूला बना, बहुत सिंपल, हमने फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दिया, तो ए वाली जो टर्म है विल कैंसिल आउट, ओके। नाउ ये फार्मूला बन गया, क्या होगा जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो ए वाली टर्म विल कैंसिल आउट और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे ना,
तो दैट मीन्स एक फार्मूला और हमें मिल गया, ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला आ गया, साइन बी का फार्मूला, इसको सब्ट्रैक्ट किए थे ना आपने, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसे ही किया था ना आपने। देखिए तो इसको और इसको घटाइए, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, दिस 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 माइनस दिस, तो इधर भी करेंगे दिस माइनस दिस, तो इसमें माइनस साइन आएगा तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट। ओके तो देखिए फॉर्मूले आ रहा है। ओके नाउ अब देखिए अब क्या फॉर्मूले आ सकते हैं, अब क्या फॉर्मूले आ सकते हैं सोच के बताइए। पहले इन दोनों को हमने ऐड किया, फिर इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ओके अब सेम एज हम यहाँ भी इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। इन दोनों को ऐड करेंगे, इधर देखिए साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी विल कैंसिल आउट, तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला आ गया। ऐसे सारे फार्मूले आपको लर्न ही रखने हैं, याद ही रखने हैं, बट एक ट्रिक जैसा आपको बता देते हैं सो दैट आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। हमने भी इसको ऐसा ही याद रखा है, बस चार ही याद रखा है, थोड़ा सा लिखते हैं सोचते हैं फार्मूला बन जाता है, ऐसा ही आपको रखना है, याद रखना है सो दैट परमानेंटली याद रहेगा, बिकॉज रटा हुआ चीज़ को परमानेंटली याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ओके तो देखिए क्या हो गया, इन दोनों को ऐड हमने किया तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी इजकल टू क्या फार्मूला आ गया बोलिए, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ओके ये आ गया। नाउ अब देखिए अब क्या करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें माइनस साइन आएगा तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगा। ओके इसमें दिस माइनस दिस करेंगे तो इसमें माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस दैट मीन्स माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या आ गया, माइनस हो जाएगा ना, दिस माइनस दिस कीजिए, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस दिस होल माइनस दिस, तो माइनस ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेम थिंग कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी बिल कैंसिल आउट, एंड यहाँ माइनस आएगा तो माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी आ गया ना, तो आप इधर क्या लिखेंगे इसको, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं। ओके एंड इस माइनस साइन को अगर इधर आप एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो माइनस साइन को आप इधर भेज सकते हैं, दैट मीन्स सेम फार्मूला कैन बी राइट, सेम फार्मूला कैन बी राइट, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी इजक्वल टू, जब माइनस साइन लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लाइक दैट। ये भी फार्मूला काफ़ी यूजफुल है, यूज होता है फिजिक्स में, यूज होता है। ये देखिए ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू सॉरी ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, आपको भी याद हो जाएगा, हमको केवल चार ही याद है, उसके बेसिस पे सारा हम फार्मूला लिख देते हैं। ओके ओनली फोर ही याद रखना है, चलिए आप इसको इक्वेशन भी मान सकते हैं, लेट इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर क्या हो गया फोर हो गया, इक्वेशन नंबर फोर हो गया, बस ये चार यूज आपको याद रखना है, एंड यूजफुल तो है, डायरेक्ट यूज होता ही है, एंड ये सारे फार्मूला भी फिजिक्स में डायरेक्ट यूज होता है। ओके तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ओके तो कैसे याद रखेंगे, सपोज दैट ए वाली फार्मूला हमको लाना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देंगे, ए वाली फार्मूला लाना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए वाली फार्मूला लाना है तो थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देंगे, एंड ए वाली फार्मूला लाना है तो थर्ड एंड फोर्थ को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ अब देखें नेक्स्ट फार्मूला कैसे बनाएंगे, सपोज दैट ए इक्वल टू बी हो गया, किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो सकता है ना, ओके जब दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए, ए इक्वल टू बी हो जाए, ए इक्वल टू बी आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाए, ए इक्वल टू बी हो जाए, ए बी के बराबर हो जाए, तो साइन ए प्लस ए साइन टू ए, तो साइन टू ए का फार्मूला मिल गया, देखिए साइन टू ए का फार्मूला मिल गया, साइन टू ए का फार्मूला, साइन टू ए का फार्मूला क्या हो जाएगा,
साइन ए प्लस ए साइन टू ए का फार्मूला, तो आप यहाँ भी ये करेंगे एंड यहाँ भी ये करेंगे, ओके तो क्या हो जाएगा, साइन टू ए का फार्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ये होते हैं फार्मूला साइन टू ए का फार्मूला। साइन टू ए का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये होते हैं फार्मूला, ओके। एंड यू कैन सी बोथ आर सेम थिंग ना, बोथ आर सेम थिंग, साइन ए यस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, बोथ आर सेम थिंग, दैट मीन्स साइन यस साइन टू ए का फार्मूला साइन ए प्लस बी के जगह पे आप ए पुट कर देंगे, बी के जगह पे ए पुट कर देंगे तो साइन टू ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ओके यस होता है फार्मूला। एंड देखा जाए तो यहाँ पे बोथ आर सेम थिंग, मैथमेटिक्स में जनरली ये ज़्यादा यूज होता है, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, यस ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू सॉरी कॉस ए, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे लाइक दैट फार्मूला बना लीजिए, ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज होता है, साइन टू ए का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, यस सिंपल है। देखिए कैसे इसमें ए इजकल टू बी कर दीजिए, दैट मीन्स बी इज रिप्लेस्ड बाई ए, बी को ए से रिप्लेस कर देंगे, जब बी को आप ए से रिप्लेस कर देंगे, व्हेन यू रिप्लेस बी बाई ए तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए, तो यहाँ भी होगा ना, बी इज रिप्लेस्ड बाई ए एंड बी इज रिप्लेस्ड बाई ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ओके। एंड यू कैन सी साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए बोथ आर सेम थिंग, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो साइन टू ए का फार्मूला ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। अब देखिए अगर इस फार्मूले में इक्वल टू बी करेंगे तो कट जाएगा, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो इधर भी जीरो आना चाहिए ना, हाँ यस ये कट जाएगा, कॉस ए बन जाएगा एंड इधर भी साइन ए बन जाएगा, बोथ बिकम सेम थिंग, तो कट जाएगा ना, तो सेटिस्फाई हो रहा है, ओके नाउ तो ऐसा इसमें ए इक्वल टू बी करेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स जीरो इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखिए ए इक्वल टू बी पुट करेंगे तो ए इक्वल टू बी पुट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आने वाला है एंड बहुत यूजफुल फार्मूला आने वाला है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ए इक्वल टू बी कर देंगे तो कॉस टू ए का फार्मूला आ जाएगा, कॉस टू ए का फार्मूला आ जाएगा, कॉस टू ए का क्या आ जाएगा फार्मूला बताइए, कॉस टू ए का फार्मूला आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, ए इज रिप्लेस्ड बाई बी, इफ़ ए इज रिप्लेस्ड बाई बी, इफ़ ए इज रिप्लेस्ड बाई बी तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए एंड साइन ए इंटू साइन ए, दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी यूजफुल फार्मूला। अगर इसे में आप क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक फार्मूला होता है इक्वल टू वन, लास्ट वीडियो में हमने बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखिए, चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखिए, बोथ आर सेम थिंग ना, तो अगर आप इसमें कॉस थीटा का वैल्यू पुट करते हैं तब एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, कॉस टू ए का फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए, देखिए फार्मूला निकल के आ गया, दिस फार्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल इन द फिजिक्स, ओके। नाउ देखिए अब अगर आप क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट करते हैं, दैट मीन्स वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज रिप्लेस्ड बाई साइन स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस टू ए का फार्मूला निकल के आ गया, कॉस टू ए का फार्मूला निकल के आ गया टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, बहुत सिंपल है। कैसे देखिए अगर आप साइन स्क्वायर ए के जगह पे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर देंगे, इसके जगह पे वन माइनस तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तो दिस फार्मूला इज वेरी वेरी यूजफुल, दिस फार्मूले आर वेरी वेरी यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रिमेंबर दैट। ओके, तो ये सारे देखिए फार्मूले कैसे आ रहे हैं, बस चार फार्मूले याद रखने से ये सारे फार्मूले आ रहे हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और क्या फार्मूले हम बना सकते हैं इसी चारों के हेल्प से, देखिए अब क्या और फार्मूले बना सकते हैं। और केवल चार फार्मूले आपको याद रखना है, और हमने भी केवल चार ही फार्मूले याद रखा है, एंड सारे फार्मूले को हम मेमोराइज कर लेते हैं, दैट मीन्स उसको रिमाइंड कर लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, हम रिमाइंड कर लेते हैं। ओके, नाउ यस देखिए, एंड अब कौन सा फार्मूला। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम डिवाइड करते हैं, पहले हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या फार्मूला बन जाएगा, देखिए टैन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा, टैन ए प्लस बी बिकॉज साइन ए प्लस बी ओवर सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड को डिवाइड कीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड को डिवाइड करेंगे, साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टैन थीटा, लास्ट वीडियो में हमने बताया, साइन ए प्लस बी ओवर कॉस ए प्लस बी डिवाइड करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा साइन, इधर क्या हो जाएगा साइन, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी डिवाइडेड बाई एंड दिस वन कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या फार्मूला बन गया, टैन ए प्लस बी का फार्मूला, ऑल्दो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है फिर भी इसको याद रख सकते हैं हम। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करने जा रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करने जा रहे हैं, दैट मीन्स ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इफ वी डिवाइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए ओवर कॉस ए क्या बन जाएगा टैन ए बन गया, टैन ए बन गया ना, टैन ए बन गया। ओके, प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी से हमने डिवाइड किया तो कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन बी ओवर कॉस बी टैन बी बन गया, टैन बी बन गया सिंपल, ओवर ओवर क्या हो जाएगा फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी से हमने डिवाइड किया तो ये तो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन माइनस अब इससे ना, इससे इसमें भी डिवाइड करना है, इससे इसमें भी डिवाइड करना है, और इससे इटसेल्फ इसमें भी डिवाइड करना है तो कैंसिल होके बना गया, एंड इससे इसमें डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए टैन ए हो गया, टैन ए टैन ए इंटू टैन बी। ओके, देखिए देखिए सारे फार्मूले आ रहे हैं, देखिए सारे फार्मूले याद आ रहे हैं, सारे मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था। ओके, ये सारे फार्मूले आ रहे हैं, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, एंड एक फार्मूले और बच्चे याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं, टेन टू ए का फार्मूला, तो टेन टू ए का फार्मूला तो हम इसी से याद रख सकते हैं, ए इक्वल टू बी कर दीजिए, नहीं तो टेन टू ए लाना है, तो टेन टू ए लाना है तो आप क्या करेंगे, साइन टू ए कॉस टू ए, कॉस टू ए कॉस टू ए, साइन टू ए कॉस टू ए, यस आपके पास है, साइन टू ए कॉस टू ए को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो आप देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू बी है, ए बी को बराबर कर देंगे, दैट मीन्स बी इज रिप्लेस्ड बाई ए, तो टैन टू ए बन जाएगा, टैन टू ए बन जाएगा, टैन टू ए इक्वल टू, टैन टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन टू ए इक्वल टू दैट मीन्स टैन ए प्लस टैन ए, ट्वाइस ऑफ टैन ए, ट्वाइस ऑफ टैन ए, ट्वाइस ऑफ टैन ए, एंड वन माइनस टैन ए इंटू टैन ए, टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए, ये बन गया ना, देखिए ये बन गया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे फार्मूले को कैसे याद रखना है, हम डायरेक्टली ब्लाइंडली याद नहीं रखना है। ओके, नहीं तो बाय मिस्टेक भी हो सकता है, भूल भी सकते हैं, एंड न्यूमेरिकल्स आपका गलत भी हो सकता है, डेरिवेशन आपका गलत भी हो सकता है। ओके, तो चार को तो आप याद रख लीजिए, और वो भी चार को ट्रिक से याद रखना है, साइन है तो उसमें साइन कोस दोनों आएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, कॉस है तो कॉस में एक साथ कॉस आएगा, एक साथ साइन आएगा, पहले कॉस आएगा, बिकॉज कॉस है तो कॉस को प्रायोरिटी देना, ऐसे याद रखने का तरीका है, कॉस है तो कॉस को प्रायोरिटी देना, देखिए कॉस दोनों एक साथ आया, और माइनस में साइन दोनों एक साथ आया, यहाँ पे प्लस है कॉस में तो यहाँ पे माइनस आएगा, एंड कॉस में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, बस
सिंपल, ठीक है ना, सिंपल है। उसके बाद आपको बताए ही हैं कि इस फार्मूला को लाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, फर्स्ट एंड प्लस सेकंड कर देना, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देना, एंड इस फार्मूला को लाने के लिए फर्स्ट माइनस सेकंड कर देना, फर्स्ट माइनस क्या कर देना, सेकंड कर देना, एंड इस फार्मूला को लाने के लिए थर्ड प्लस इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देना, ओके, एंड इसको लाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना। देखिए इक्वेशन थर्ड थर्ड माइनस फोर सब्ट्रैक्ट कर देना, ओके, नहीं तो आप फोर माइनस थर्ड भी कर सकते हैं, फोर माइनस थर्ड भी करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, थर्ड माइनस फोर करेंगे, यस थर्ड माइनस फोर ही किया ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यस थर्ड माइनस फोर करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, फोर माइनस थर्ड करेंगे तो नीचे आएगा, नीचे वाला आएगा, ओके, ये आ गया। अगर डायरेक्ट ए लाना चाहते हैं आप तो फोर माइनस थर्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप याद रखिए, नहीं तो एक ट्रिक के साथ ही याद रखिए, ओके, केवल चार ही आपको याद रखना है। साइन टू ए लाना है तो ए इज इक्वल टू टू इसमें पुट कर देना है, इसमें ए इज इक्वल टू बी, नॉट टू, ए इज इक्वल टू बी, सॉरी ए इज इक्वल टू बी, तो ये फार्मूला आ गया, ये सारे फार्मूले आ गए, ओके। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर देना, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इसे फॉरवर्ड कीजिए, एंड हमने एक मिशन भी आप लोग को एक वीडियो में हमने बताया कि हम एक मिशन भी चला रहे हैं, हम लोग एक मिशन भी चला रहे हैं कि यूट्यूब पे स्टडी बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हमने देखा यूट्यूबर्स, यूट्यूब तो हम भी बहुत पहले से देख रहे हैं, 2010 के आसपास ही देख रहे हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आए एंड अपना फॉलोअर्स बढ़ाएँ, दैट मीन्स सब्सक्राइबर्स बढ़ाएँ, फिर अपना दुकान खोलें, दैट मीन्स यूट्यूब पे ही अपना दुकान खोलें। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एकदम से फ्री प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कि कोई की भी बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा जिनको कुछ भी नहीं है घर में, वो भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। शिक्षा ऐसा होना चाहिए, कम से कम यूट्यूब पे तो ऐसा होना चाहिए यार, कम से कम यूट्यूब पे, एटलीस्ट यूट्यूब पे तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोज दैट अभी हम पढ़ा रहे हैं, लाखों में सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो फिर मैं अपना एक ऐप बना लिया और ऐप के थ्रू पढ़ाने लग गया, एंड ऐप का कुछ वीडियो डाल डाल के गरीब बच्चों को ललचाया जा रहा है, वहाँ बुलाया जा रहा है कि 5,000 में कोर्स कराएंगे, 4,000 में कोर्स कराएंगे, 10,000 में कोर्स कराएंगे, 20,000 में कोर्स कराएंगे, व्हाट इज़ दिस। आई थिंक यूट्यूब पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, एंड यूट्यूब को बिल्कुल फ्री बनाइए, बिल्कुल फ्री। कोई भी यूट्यूब पे आए तो शौक से पढ़ाने के लिए आए, कि उनका पैसन है, शौक से पढ़ाना उनका पैसन है, सो दैट वो हमारे कंट्री के गरीब बच्चों को हेल्प कर पाए, ओके, बिकॉज अमीर बच्चे तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, ओके, एंड बस सही, इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।